Brought to you by Biz Analyst by Khatabook. मेड इन इंडिया की धमक अब भारत के बाहर भी पहुंच चुकी है। डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने वाला भारतीय प्रोडक्ट UPI को अब अन्य देश भी अपनाने लगे हैं। इसकी शुरुआत पड़ोसी देश नेपाल से हुई है। नेपाल भारत का UPI पेमेंट सिस्टम अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे नेपाल को भी भारत की तरह डिजिटल इकोनॉमी बनने में मदद मिलेगी। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने ये बयान जारी कर जानकारी दी कि नेपाल ने भी UPI का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बयान में बताया गया कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में UPI सर्विस देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और मानम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। गेटवे पेमेंट सर्विस के पास नेपाल में पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने का अधिकार है, वहीं मानम इन्फोटेक नेपाल में UPI की सर्विसेज को डिप्लॉय करेगी। NPCI ने कहा कि इस गठजोड़ से नेपाल की डिजिटल इकोनॉमी में बड़े स्तर पर सुधार होगा। UPI के इस्तेमाल से लोगों और मर्चेंट के बीच रियल टाइम पेमेंट को आसान बनाएगा। वहीं देश में पिछले साल UPI के जरिए $940 अरब की वैल्यू के बराबर 3,900 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए, यह भारत की GDP के 31% के बराबर है। अभी गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, फोन पे और मोबीक्विक जैसे कई ऐप UPI इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के बाहर मेड इन इंडिया UPI की डिमांड एक बड़ी उपलब्धि है। इससे साफ होता है कि भारत में बनी इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। उम्मीद है कि नेपाल के बाद कई दूसरे देश UPI डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाएंगे और भारतीय प्रोडक्ट का डंका पूरे विश्व में बजेगा।